मैंने एक्चुअल में क्या था कि भाई मैंने 2011 में लाया था टूरिस्ट वीजा ऑस्ट्रेलिया का और रिफ्यूज हो गया था। बताओ तो बोले जी 25 लाख रुपए मांग रहे टूरिस्ट वीजा के और वीजा सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में आ गया था, खुद लगा था। राम राम भाइयो, मैं महावीर सैनत गांव था भाई, जिला हिसार तहसील हांसी हरियाणा। मन्ना भाई यू मेरा बेटा सचिन, यहाँ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में है हो, अभी साढ़े तीन साल हुए इसने आए ने। मन्ने एक्चुअल में क्या था कि भाई मैंने 2011 में लाया था टूरिस्ट वीजा ऑस्ट्रेलिया का और रिफ्यूज हो गया था। उसके बाद बेटा यहाँ आ गया, बेटा यहाँ आने के बाद यो दो तीन चार महीने पहले बोले पापा आपका वीज़ा लगा देते हैं टूरिस्ट वीज़ा, अपने डॉक्यूमेंट भेज दो। मैं बोला चलो वो भेज देते हैं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए। भाई मेरे बहुत नाम थे उसमें, 5-6 तो मेरे नाम थे, कहीं महावीर सिंह दुवन, कहीं महावीर सिंह, कहीं महावीर प्रसाद और कहीं महावीर प्रसाद दुवन। तो सारे सब के मैंने एफिडेविट वगैरह दे दिए थे, पासपोर्ट में मैंने वही नाम करवा लिया था। तो मेरे बेटे की DMC में था, यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड में इसका जो नाम था मेरा बेटे के सन ऑफ के महावीर सिंह दुवन, और मेरी मैडम का सुनीता देवी देवी था तो उनका भी सुनीता दुवन करवा लिया था। तो 2011 में रिफ्यूज हो गया था, फिर अब हमने पीछे लगा दिया था। रिफ्यूज तो है लेकिन वो कंफर्म थोड़ी था कि रिफ्यूज होया है के जुगाड़ है। वो जो पासपोर्ट था उस पे एक रिफ्यूज की मोर लग रही थी। मेक माई ट्रिप वाले लिए थे भाई, उस टाइम हमारे पे 2 बंदे लगवा था, हमने एक भांजा था मेरा बलराज और एक मैंने, 2 बंदे उन्होंने 70,000 रुपये लिए थे और वो एक मोर लगा के ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की और वापिस कर दिया कि वीजा आपका रिफ्यूज हो गया जी, ये बात थी। तो फिर अब दोबारा लगाया भाई, मैंने सारे दो डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट थे, जैसे मेरी ITR थी 3 साल की, मैडम की ITR थी मेरी की 3 साल की, और मेरे बिजनेस की ITR थी 3 साल की, कुछ मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो उसके डॉक्यूमेंट थे, वो लगा दिए थे। और वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में आ गया था, खुद लगा था बेटे ने और बहू ने बैठ के, खुद लगा था। सिर्फ 4 दिन में मेरा टूरिस्ट वीज़ा आ गया था। तो भाइयों अगर आप, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं ना, पूरे बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पूरे हैं, आपकी ITR है 3 साल की, आप कहीं जॉब करते हो तो आप खुद लगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से जहां तक मेरा आइडिया है वीजा आएगा। आप हमने एजेंट के फीस का क्या था? एजेंट की फीस इसमें $152.53 तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया सरकार की फीस थी वीजा की, टूरिस्ट वीजा की। और मेरे ख्याल से कोई एजेंट 10,000 रुपये मांग रहा है भाई, 20,000 रुपये भी मांग रहा था, लाख भी मांगे यार भाई, 15-15 लाख रुपये भी टूरिस्ट वीजा के मांगे। मैं हैरान हो गया सुन के 15 लाख रुपए। मैंने एक दोस्त का लड़का था तो बोले जी 25 लाख रुपए मांग रहे टूरिस्ट वीजा के। मैं बोले यार कमाल है, तो काम ही सारा 7-8-10 हज़ार रुपये का है, 25 लाख रुपए चलो जो भी मांग रहे हो, कैसे मांग रहे कैसे नहीं मांग रहे हैं उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो आप खुद साइट पर जाओ, इनकी पर वीज़ा अप्लाई कर दो, $150 लगेंगे एक आदमी के वीजे के, दो है तो $300 यानी 15-16 हज़ार रुपये लगेंगे। और हमारा वीजा 4 दिन के अंदर अंदर आ गया था। उसके बाद 4 दिन में वीजा आने के बाद फिर हमने टिकट करवा दी थी भाई, वो 10-15 दिन बाद की टिकट, महीना बाद की टिकट हुई थी वो। हमने जो भी सामान लेना था वो सामान वगैरह लेके, मेरी मैडम की तो हमने बिजनेस क्लास करवाई थी और मैं इकोनॉमिक में था तो उनके थोड़ी कमर में दिक्कत थी, तो हमने सोचा कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, सफर है 12-13-14 घंटे का, तो इस सफर में हमने सोचा कहीं उनके कमर में दिक्कत ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन वो बिजनेस क्लास में आई और वो बहुत बढ़िया अच्छे से आई, बिल्कुल टनाटन वहाँ उनके कमर में भी दर्द था, 2-4 बीमारियाँ थी। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ आते कुछ तो रिलीफ महसूस किया, बेटर भू के दौर आ गई, नया देश में आ गई, नई नई चीज़ देखी। तो 10-15 दिन तो लगभग 10-12-13 दिन तो अच्छा रिलीफ महसूस किया और ये भी ठीक है कुल मिला के। और बाकी अभी फिलहाल दिल लग रहा है बहुत सुंदर देश है, वातावरण शुद्ध है, लोग रूल रेगुलेशन पे चलते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो मैं बोलूं हाँ अब बोल। तो जो मेरे को लगता है कारण रहा होगा सही वीजा आने का, कई कारण थे। एक तो पहला तो हमने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वाइज लगाए थे। जैसे अगर पहले हमने मेरे पिताजी का आधार कार्ड या पासपोर्ट था तो नाम उनका पासपोर्ट जो नेमिंग होती है, जो आप अगर फाइल अपलोड करते हो जो उसका नेमिंग होती है वो ठीक से करनी है आपको, और सिस्टम वाइज आपको लगाने हैं, और जो जो वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जितने जितने आप दे सकते हो, अगर ID के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लगाओ। और अगर आपका कभी पहले रिफ्यूज़ भी हुआ है तो हमने उसमें डाल दिया था कि उनका इस टाइम पे रिफ्यूज़ हुआ है। हाँ ये जानकारी हमने दे दी थी भाई, इस टाइम पे हमारा रिफ्यूज़ हुआ है। और जो डॉक्यूमेंट है ना आप वही डॉक्यूमेंट लगाओ और प्रॉपर तरीके से लगाओ ताकि
आगे वाला जो है उसको समझ में आए, हाँ ये है ये है ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। ऐसे नहीं लगाना प्रूफ, आपके कोई मकान बना हुआ है उसका कंप्लीशन तो आप सबसे पहले लगा दो, उसका अपने जो और डॉक्यूमेंट पीछे लगा दो, प्रॉपर तरीके से लगाओ, अगले वाले को समझ में आएगा देखते ही, और खड़ाका उठेगा भी जगह तीन या चार दिन में पांच दिन में ही। इसमें कुछ आपको जैसे क्या होता है, आपको फंड्स भी शो करने होते हैं, जो मैंने मेरे फंड शो कर दिए थे और जो मम्मी और पापा के अकाउंट में थे हमने वो भी शो कर दिए थे, और एक मेरी तरफ से हमने लेटर दिया था कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे हूँ, तो हमने ऐसे लेटर जो भी मेरी डिटेल्स थी उसमें वो दे दी थी, और इसकी वजह से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। जब अगर जो ऑफिसर है वो देखता है फाइल को, तो देखते ही वो क्विकली ही विल बी चेकिंग व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स वी हैव अपलोडेड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कमिंग ओवर हेयर, एंड वी ऑल्सो मेड अ काइंड ऑफ आइटनरी कि हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। अगर जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो अभी जैसे मेरा बर्थडे भी आने वाला था, तो हमने बर्थडे के लिए भी लिखा था कि दे आर कमिंग हेयर टू सेलिब्रेट इट। ऐसे भी दो चार चीज़ें और लिखी हमने, और इसमें थोड़ा सा आपको जो मेन, अगर आप पेरेंट्स का लगाओ तो इतनी दिक्कत नहीं आती, पर अगर आप जवान का लगा रहे हो, कोई यंग है अराउंड 25 to 30 years, उसकी आदर ही शुड हैव अ गुड जॉब और अदर ही शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कनेक्शन, कि उसमें मेन यंग का आपको दिखाना होता है कि वो पीछे वापस से जाएंगे और इंडिया में रहेंगे, यहाँ उनका आगे मोटिव नहीं है रहने का, दे आर ओनली कमिंग हेयर फॉर विजिटिंग द फैमिली। तो ऐसे अगर आप वीज़ा लगाते हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो पूरा है कि हाँ कोई नहीं हम लगा देंगे खुद, तो आप खुद लगा लो, ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती है, सब कुछ आप आराम से पढ़ के लगा सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपको YouTube पे वीडियोस भी दिख जाती हैं कि कैसे लगाना है, पूरी प्रोसेस की वीडियोस हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो। और बाकी अगर आप और कुछ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ गलत हैं या आपसे खुद से नहीं लगेगा, तो आप एजेंट की मदद ले सकते हो, ऐसी कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और एजेंट की फीस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं, 5,000 to 7,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे के लिए, जो यहाँ 7,500 रुपये यहाँ की फीस है लगभग ऑस्ट्रेलिया की, और 5,000 to 7,000 रुपये एजेंट लेगा। आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए सारे, फेक डॉक्यूमेंट मत लगाना, और इसमें फंड भी ज़्यादा पुराने नहीं चाहिए, 2-4-5 दिन के फंड हैं वो आपके चल जाते हैं, लेकिन हाँ 3-4 महीने 6 महीने के पीछे तक की अब स्टेटमेंट वो खाता है ना आपको प्रॉपर थोड़ा ढंग से चला हुआ होना चाहिए, आपका बिजली का बिल है, आपका गैस का बिल है, जो भी आप कुछ आपने परचेज किया मार्केट से वो अकाउंट के थ्रू परचेज किया है, उसमें थोड़ा बहुत लेन देन है, तो वो उसमें तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाते हो, तो उसकी जो आपको इफेक्ट पड़ता है वो आपके सिटीजनशिप तक में इफेक्ट जाएगा, क्यों, अगर आपने लगा स्टूडेंट वीज़ा पे आप लगा रहे हो, उसमें आपने कोई आपके एजेंट ही लगाया था कोई फेक डॉक्यूमेंट, वो आगे जाके क्रॉस चेक हो रहे हैं, चलो एक बार आप बच गए, आगे जाके फिर क्रॉस चेक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो, तो आपकी सिटीजनशिप पे भी मैंने देखा है कि लोग सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। घबराइए मत, आप अपना वीज़ा खुद आपके बच्चे लगा सकते हैं, और आप भी अगर पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। और अगर कोई भी मुश्किल आती है तो कमेंट कीजिए, हम आपका आपकी पूरी मदद करेंगे, बताइए हमारे को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। तो चलिए जी, मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को ये बनाना था कि अगर कोई हम स्टूडेंट वीज़ा पे हो आप, या TRP हो PR पे हो, तो आपके पेरेंट्स को आप इजीली बुला सकते हो। कुछ दिनों बाद PR के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि आप PR कैसे कर सकते हो अपने पेरेंट्स को। तो जैसे आप वीज़ा भी वो वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, जो पासपोर्ट में नाम है, जो भी डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ की स्पेलिंग 2-2 बार, अगर आप श्योर हो तो भी 2 बार पढ़ना। मेरे बेटे ने और बहू ने वो 2-2, 3-3 बार पढ़ के फिर लगाई थी, मैंने वहाँ से पूछा भी था बेटा कोई गलती मत करना, उन्होंने एक भी कोई भी गलती नहीं की, और 4 दिन के अंदर, सिर्फ 4 दिन, ओनली इन 4 डेज। हमने फ्राइडे नाइट अप्लाई किया था, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, हाँ, और जो ये इंडिया और इंग्लैंड का मैच था जहाँ पे इंडिया हार रही थी, उस टाइम पे वीजा आ गए, हाँ, वीजा आ गया था, अपना वो जिला परिषद का इलेक्शन चल रहा था हरियाणा में, उस टाइम पे वो वीजा आ गया था। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, राम 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 जी।